हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुदीपा। फ्रेंड, आज मैं आपके साथ बंगाली शादी का और एक रिचुअल शेयर कर रही हूं। जी हां दोस्तों, इसे हम लोग बोरनकुला कहते हैं, जो कि हमारे शादी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो फ्रेंड, मैं आपको इसमें दिखाने वाली हूँ कि हम लोग इसमें क्या क्या रखते हैं और कैसे कैसे तैयारियाँ करते हैं। फ्रेंड, आपको मेरे हाथ में जो ये पेड़ा टाइप का दिख रहा है, इसे हम लोगों ने मैदे से गूंथ करके बनाया है। फिर उस पर हम रेड कलर के 5 लकीर बना देंगे। जी हाँ फ्रेंड, ये सब बड़ी मम्मी जैसा जैसा बता रही, हम लोग सेम वैसा ही कर रहे हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी रखूंगी। जी हाँ दोस्तों, ये शगुन की हल्दी है, जो कि लड़के वालों के घर से आई है। अब देख लीजिए, मैंने इसमें सिंदूर रख लिया है। फ्रेंड, हमारे घर का रिचुअल है कि हम लोग ये जो बोरनकुला है, इसके ऊपर 1.25 किलो चावल रखते हैं। तो हम लोगों ने उसे डाल दिया है और उसे चारों ओर फैला देंगे। और इसके बाद हम लोग जो भी ज़रूरी का सामान है, वो सब इसके ऊपर रखते जाएंगे। जैसा कि हमने शहद है, गाज सिंदूर है, काजल है, जितने भी शादी का ज़रूरत का सामान है, सब इसी पे हम रखने वाले हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड, मैं एक मिट्टी का बर्तन रख रही हूँ। अभी हम लोग बड़ी मम्मी बनाने वाली है पान की खिली। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए, इसे पान की खिली कहा जाता है। इसे पान को एक थोड़ा सा अजीब सा शेप में बनाया जाता है। इसको फोल्ड करने का एक तरीका होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बन के रेडी हो गई है। अब जो मिट्टी का बर्तन है, इसमें हम 5 कौड़ियाँ रखेंगे और इसे चावल से ढक देंगे। इसमें हम सुपारी भी डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 सुपारी। अब हम इसमें पान की 5 खिलियों को भी डाल देंगे। जी हाँ दोस्तों, और फिर अगेन जितना सा स्पेस रह जाएगा, उसे हम चावल से भर देंगे। अब आप देख लीजिए फ्रेंड, यह है शौरा, जिसमें हम लोग धान धुरवा रखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी से लड़के और लड़की को आशीर्वाद किया जाता है। तो ये भी हमारे शादी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो देख लीजिए, मैंने उसे रख दिया है। अब मैं उसे शौरा से कवर करने वाली हूँ। अब फ्रेंड, हम लोग रात को एक दिया जला के रखते हैं। ये शादी से एक दिन पहले हम लोग ये सब अरेंजमेंट्स वगैरह करके रखते हैं। इसमें कपूर वगैरह भी रखा गया है। तो अभी और एक दिया भी मम्मी जला रही है। अब देख लीजिए फ्रेंड, एक पान का पल्लव लिया जा रहा है। अभी शाम हो चुका है, तो मम्मी दिया बत्ती कर रही है और बड़ी मम्मी उसे डेकोरेट कर रही है। आम के पल्लव पे हम लोग 5 सिंदूर से बिंदिया लगा देंगे और उसे इस मिट्टी के बर्तन में रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम गाज सिंदूर में के डिबिया में सिंदूर भर रहे हैं और उसके अंदर एक लोहा रखा जाता है। तो देख सकते हैं मम्मी कर रही है। तो बस फ्रेंड, यही है हमारे शादी के बोरनकुला की तैयारी। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही बंगाली शादी के और नए नए रिचुअल्स देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देख लीजिए फ्रेंड, अभी मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी, फिर मामी, सभी लोग मिलकर के मिष्टी का हाड़ी, यानी मिठाई जिसमें भर करके लड़के वाले के घर भेजा जाता है, उसे बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहले लाई
भरा जाता है, फिर उसमें कुछ बताशे डाले जाते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग मिठाइयाँ डाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे हमारा ट्रेडिशन है। चाहे आप जितनी भी मिठाइयाँ ले जाए, आपको एक ऐसी हंडी तैयार करके ले जाना कंपलसरी रहता है। तो फ्रेंड कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर करके कमेंट करके बताइएगा। तो देख लीजिए फ्रेंड, अभी ये मिट्टी की हंडी रेडी हो चुकी है। उसे सभी लोग मिल करके उसमें गठान बांध रहे हैं ताकि वो बिल्कुल सिक्योर हो जाए। तो बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।